Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and great. So after a long time with my friends, like I have decided to go somewhere out. तो आधे friend मेरे को रास्ते में मिलने वाले थे, so मैं निकल पड़ी इस रास्ते पे. जैसे कि आप देख सकते हो, तो introduction video में बना नहीं पाई, so सोचा कि रास्ते पे ही vlog shoot कर लूँगी. So guys, ये जो वाला रास्ता है, ये है बेंगलुरु वाला रास्ता. और आज का जो location हम जाने वाले थे, वो location बहुत ही प्यारा है. And if you guys wanna know where that place is, तो आप इस ब्लॉग पे बने रहो. और जो मैं हाथ दिखा रही हूँ जिस साइड पे, उस साइड पे एक पिकनिक स्पॉट है, आप वहाँ पे जा सकते हो, चिल कर सकते हो. बहुत अच्छा सा प्लेस है वो भी. देन उसके बाद में ये जो सेकंड प्लेस है गाइस, ये वाला जो प्लेस है, ये है एम एम तराई. भी बहुत सुंदर प्लेस है, रिवर है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकते हो, आप बैठ के मस्ती कर सकते हो, है ना. सो हम तो हमेशा जाते रहते हैं. देन मुझे जाना था कोई और प्लेस पर. सो गाइस, अगेन आप ये प्लेस देख सकते हो, जो रास्ता देख रहे हो गाइस, ये रास्ता आपको दूधिया के साइड लेके जाता है. मिरिक, दूधिया, खरसियांग, दार्जिलिंग, हम उस रास्ते पे कहीं भी जा सकते हो. देन हम सीधे वाले रास्ते पे निकल पड़े, क्योंकि हमें जाना था लोहागढ़. देन हमने लिया बेलगछिया वाला रास्ता. जो ये टी स्टेट जो दिख रहा है, ये है मारापुल टी स्टेट. फिर हमने अपने प्यारे से फ्रेंड को लिया, जिसका नाम है रोहन. सो मीट माई फ्रेंड रोहन. देन उसके बाद में हमारे पास एक ही स्कूटी था, तो हम एक स्कूटी पे हम तीन लोग निकल पड़े. और गाइस, ये आप जो घर देख रहे हो, ये फॉरेस्ट गार्ड वालों का है, क्योंकि इस एरिया में लाइक बहुत ही ज़्यादा हाथी मतलब कि निकलते रहता है. और यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा गांव वगैरह है, सो गार्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. और ये जंगल एरिया है, सो फॉरेस्ट वाले तो होंगे ही होंगे. देन उसके बाद में हम निकल पड़े सीधे रास्ते पे. ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. आप लिटरली, आप जब जाओगे इस प्लेस पे, आप एवरी सिंगल प्लेस इज़ ऑसम. आपको लिटरली हर प्लेस पर आपको रुककर फोटोज़ वगैरह क्लिक करने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा प्लेस है. और ये वाला जो प्लेस है गाइस, ये लिटरली सामने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है. अगर कैमरे में इतने सुंदर दिख रहा है, तो वो सामने से कितना सुंदर दिख सकता है ना. सो हमें जाना था लोहागढ़ से भी और ऊपर, सो हम निकल पड़े. आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हो, तो आप अपने पर्सनल गाड़ी पर ही जाओ, क्योंकि तभी आप व्यू का मज़ा ले सकते हो. आप कहीं पे भी रुककर लाइक फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हो, है ना. बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, बट अपने पर्सनल व्हीकल पे लोग ज़्यादा जाते हैं. सो हम भी निकल पड़े. और आप जानना चाहते हो कि लाइक हम कौन से प्लेस पर गए थे, तो आप इस ब्लॉग पर बने रहो, क्योंकि आपको ज़रूर वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. और क्योंकि सिलीगुड़ी का वेदर बहुत टाइम से लाइक पानी पानी पानी, बरसात की वजह से कहीं कोई शायद जा ही नहीं पा रहा था, तो बहुत टाइम के बाद में आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. पर्सनली मुझे ऐसे प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद है. सो हम निकल पड़े, और चलो बने रहो हमारे साथ में. देन हम पहुंच गए अपने लोकेशन में, और थोड़ा सा दूर है, तो हमने डिसाइड किया कि हम चल के जाएंगे, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और मैं चाहती थी कि आपको मैं बहुत अच्छे से सामने से दिखा हुआ है ना. सो मेरा स्कूटी लेके चला गया है, और हम जा रहे हैं पैदल पैदल. और आप देख, और आगे जाने के बाद में मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाने वाली हूँ, है ना. सो गाइस, ये है पुटू. जैसे कि मैंने लोकेशन बताया आफ्टर बांगोरा, बांगोरा के बाद में आपको जाना पड़ेगा बेंगलुरु वाले रूट पे, देन बेंगलुरु, देन उसके बाद में बेलगछी. बेलगछी के बाद में बहुत सारा छोटा छोटा बगान वाला एरिया है, उस रास्ते से आप जाना पड़ेगा इस लोकेशन में. और ये वाला लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और आगे चलने के बाद में हिस्से भी है, आप वहाँ आ सकते हो, आप स्टे कर सकते हो. तो चलो मेरे साथ में. तो आप जरूर आना, और इस लोकेशन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, है ना. तो बाकी का लोकेशन मैं आगे जाकर चलो गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्लेस कैसा लगा. मैडम आ जाइए.
सो फाइनली हम लोकेशन में पहुंच गए और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो इस प्लेस का नाम है छोटा टिंगलिंग, क्योंकि ऊपर में गांव है जिस गांव का नाम है छोटा टिंगलिंग, सो इस प्लेस का नाम भी छोटा टिंगलिंग है। और गाइस रिवर का आवाज़ इतना ज़्यादा तेज़ था तो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा आवाज़ मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा था। और काइंड ऑफ हम चलते जा रहे थे क्योंकि स्कूटी लेकर जाना पॉसिबल नहीं था आगे, सो काइंड ऑफ ट्रैकिंग वाला वाइब आ रहा था। सो बहुत ही प्यारा सा प्लेस है, मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, है ना, क्योंकि सिलीगुड़ी में देर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेस जो आपको लाइक मैप में भी नहीं मिलने वाला, आपको लिटरली उस प्लेस पर आपको ढूंढ कर जाना पड़ेगा। और हम तो पैदाइशी यहीं के लोकल है ना, हम यहीं के हैं, सो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि लाइक हम कहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, चिल कर सकते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक वाना नो कि लाइक कहाँ जाकर हम मस्ती करें, उन्हें बस पता होता है कि सिलीगुड़ी में खरसांग दार्जिलिंग मिरिक यही है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेस इन सिलीगुड़ी जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, लाइक वन डे में आप आराम से लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करके रिटर्न हो सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। लोकेशन बहुत ही प्यारा है और मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप वहाँ पर जाओ, है ना, बहुत प्यारा सा लोकेशन है। सो आप बने रहो, आप देखो, लाइक हमने बहुत मस्ती किया। और जैसे कि आप आगे देख सकते हैं ना, वहाँ पर छोटा सा वाटरफॉल है जो कि अभी लाइक दिखने में छोटा सा लग रहा है, बट पानी के टाइम में बहुत ही बड़ा हो जाता है। सो बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है, हमने बहुत मस्ती की अपने फ्रेंड्स के साथ में। जैसे कि देख ही सकते हैं मेरे फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं पार होने में, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा स्पीड था, दिखने में शायद स्लो लग रहा है, बट आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा साउंड इतना ज़्यादा स्पीड, लाइक पानी का आवाज़ इतना ज़्यादा हाई होता है कि लाइक आप वहाँ पर लिटरली आप वीडियो control. तो चलो चलते हैं वाटरफॉल में। बोला है ना? Let's go, let's go, let's go, let's go. तो भाई यहाँ का प्लेस बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, नहीं ज़रूर विजिट करो, ज़रूर आपको लाइक प्यार हो जाएगा इस जगह पे अगर आप आते हो तो, है ना। चलो लेके चलते हैं। सो माय फ्रेंड्स आर बिजी ओवर देयर, आप देख सकते हो, बातें करनी है उन लोगों को। सो लुक एट दिस, सामने से और ज्यादा खूबसूरत है, दोनों कैमरा में कैसा लग रहा है, बट सामने से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। Thank you.
लिए मैंने आपको वाटरफॉल भी दिखा दिया। सो मैं यहाँ से कनेक्ट होंगी थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि मैं अब इंजॉय करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आई वॉन्ट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरप इस लोकेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर दे, है ना। और थोड़ा सा साथ मेरा फूल रहा है क्योंकि मैं ऊपर नीचे होते होते थक गई हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स एंजॉय करने के लिए।